ये मकबरा भी बिल्कुल जो है यमुना के बगल से किनारे से लगा हुआ है। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं चीनी के रोजे पर, तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कैसा चीनी का रोजा है। ये मकबरा जो है चीनी का रोजा मकबरा कहलाता है और ये शाहजहाँ का वजीर था शुक्रुल्ला सिराजी अफजल खां अल्लानी, ये उसका मकबरा है जो कि ईरान का रहने वाला था और उसने अपने जीवन काल में ही इस मकबरे का जो है निर्माण करवा लिया था। वो मरा था लाहौर में और लाहौर से लाकर उसको यहाँ जो है इस रोजे में दफनाया गया था। और ये मकबरा जिस डिज़ाइन से बनाया गया है वो बहुत ही दुर्लभ मतलब थी, वो अब लुप्त भी हो गई है। इस विधि से कांचित खरपर और उनकी चमक हज़ार साल तक बनी रहती थी। बनाने की इस कठिन विधि के कारण ये कला समाप्त हो गई। इसमें खम्भे, अतरंग, तीड़े, छज्जे, छतरियाँ आदि कोई भी अन्य देसी तत्व नहीं हैं, ना इसमें जालियाँ हैं। अच्छा, मरने से पहले ही उसने जो है ये मकबरा अपना बनवा दिया था, लेकिन यहाँ भाई रखरखाव की कमी है। ये जो है इसका रास्ता है। ये मकबरा भी बिल्कुल जो है यमुना के बगल से किनारे से लगा हुआ है। देखिए भरी हुई चल रही है यमुना जी। अभी जिस ज़माने में ये बनी होगी तब तो काफ़ी खूबसूरत लगती होगी, लेकिन अभी इसमें कुछ ऐसा देखने लायक नहीं है। और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है, कोई इसका टिकट नहीं है। हाँ, इसका निर्माण कार्य जो है चल रहा है, हो सकता है आगे चलकर ये भी ठीक ठाक कर दी जाए, उस पर टिकट जो है लगने लगे। यहाँ अभी फॉरनर्स वगैरह कोई नहीं दिख रहा है, सब खाली पड़ा है ऐसा ही, और बच्चे जो है यहाँ आकर खेल रहे हैं बस। बाकी विशेष यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है। जो चीनी जो कि वजीर था शाहजहाँ का, उनकी ये सामने आपको दिख रही यही कब्रें हैं और इसमें अभी जो है निर्माण कार्य अंदर चल रहा है। और देखिए ऐसे पत्थर लाकर जो है इस बिल्डिंग का भी जो है पुनरुद्धार किया जा रहा है। दोस्तों अभी हम चीनी का रोजा देखकर वापस आ रहे थे, तो इमारत कोई ख़ास नहीं थी, बिल्कुल पुरानी जर्जर इमारत थी और उसमें अभी जो है काम चल रहा था। हो सकता है आगे चलकर जो है वो इमारत अच्छी हो जाए, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल कोई ख़ास इमारत नहीं थी, बस थोड़ा हाँ घास फूस जो बगीचा था वो थोड़ा ठीक था। तो चलिए चलते हैं हम अपनी अगली मंजिल की ओर। चलिए चलते हैं।